हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत अच्छे टॉपिक पे, विच इज निफ्टी 50 स्टॉक्स। दोस्तों, ऐसे क्वेरीज आए हैं मेरे पास और इन जनरल ये क्वेरी होते हैं कि ऐसे कौन से निफ्टी 50 स्टॉक्स पे आप चाहें एज अ बिगनर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी 8 बेस्ट परफॉर्मिंग निफ्टी 50 स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया इन दिस ईयर 2021। दोस्तों, ये बिगनर्स और एक्सपर्ट्स दोनों जा सकते हैं, बिकॉज मार्केट डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई में। और साथ ही हम जानेंगे ये स्टॉक्स कौन से इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं एंड ओवर द थ्री पीरियड ऑफ थ्री इयर्स कैसा रिटर्न दिया है। चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं वो कौन से 8 स्टॉक्स है और साथ ही मैं आपको बताऊंगी अपनी एक्सपीरियंस, इसमें से एक स्टॉक में मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग किया था। चलिए जानते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है JSW स्टील, सेकेंड इज टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, हिंडालको इंडस्ट्रीज, यूपीएल लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ग्रासिम इंडस्ट्रीज एंड SBI। सो ये कुछ 8 आपके बेस्ट परफॉर्मिंग निफ्टी 50 स्टॉक्स हैं। दोस्तों, इसमें से मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूंगी। जो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, लास्ट वीक से बिफोर मैंने इस पे इंट्राडे किया था एंड यू वोंट बिलीव, मुझे 50+ रुपीज पर शेयर मुझे प्रॉफिट मिला था। आई बुक्ड अ 50+ रुपीज प्रॉफिट पर शेयर, बट लेटर ऑन ये काफी फॉल हुआ। बट आई एम वेरी श्योर कि आप इसको अगर खरीदते हैं आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, बिकॉज ये रिसर्च के हिसाब से ये सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 के बहुत पॉजिटिव ट्रेंड देने वाले हैं आने वाले टाइम पे, तो आप इसमें जा सकते हैं। चलिए जानते हैं ये स्टॉक्स किन किन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं और कैसा रिटर्न दिए हैं अभी तक ओवर 3 इयर्स। चलिए जानते हैं। सो दोस्तों, फर्स्ट है JSW स्टील। ये एक लार्ज कैप बिजनेस है इन मेटल एंड फेरस सेक्टर्स। स्टॉक ने गेन किया है 108.52% ओवर 3 इयर्स, तो काफी अच्छा रिटर्न देता आ रहा है। आई थिंक दिस इज रियली अ गुड स्टॉक इन निफ्टी 50। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाटा स्टील की। टाटा स्टील एक लार्ज कैप बिजनेस है इन द मेटल एंड फेरस सेक्टर्स और इन्होंने स्टॉक गेन किया है ओवर 3 इयर्स इज 87.96%। जो थर्ड है हमारे लिस्ट में वो है निफ्टी 50 स्टॉक्स के टाटा मोटर्स। ये एक लार्ज कैप फर्म है इन द ऑटो इंडस्ट्री। फोर्थ है हमारे लिस्ट में हिंडालको इंडस्ट्रीज। ये एक लार्ज कैप बिजनेस है इन मेटल्स एंड नॉन फेरस सेक्टर। इनके स्टॉक ने गेन किया है अराउंड 67.12% ओवर 3 इयर्स। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे टॉपिक में है यूपीएल लिमिटेड। दोस्तों, यूपीएल लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चर करती है, बट इन्होंने स्टेप लिया है टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ये कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे और इनके स्टॉक ने गेन किया है 78.95% ओवर 3 इयर्स। जो नेक्स्ट है हमारे लिस्ट में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एक लार्ज कैप कंपनी है इन शिपिंग इंडस्ट्रीज और ये स्टॉक ने रिटर्न दिया है 130.91% ओवर 3 इयर्स। बात करते हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज की। ये एक लार्ज कैप बिजनेस है इन डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स। एंड फाइनली वी हैव इन आवर लिस्ट इज SBI, जो एक बैंकिंग कॉरपोरेशन है। 3 ईयर पीरियड द स्टॉक हैज जनरेटेड 56.48% रिटर्न्स। दोस्तों, ये कुछ 8 बेस्ट परफॉर्मिंग निफ्टी 50 स्टॉक्स है जिसपे आप जा सकते हैं एज अ बिगनर, एज एन एक्सपर्ट, बिकॉज ये सारे इंडस्ट्रीज किससे रिलेटेड है आपको पता चल ही गया है। साथ ही ये इंडस्ट्रीज अभी कितनी ज्यादा डिमांड में है, बिकॉज मार्केट चलती है डिमांड एंड सप्लाई में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर अच्छी लगी तो एक छोटा सा थम्स अप जरूर दीजिएगा एंड प्लीज 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 मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बहुत सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स के वीडियोस ला सकूं, आपके क्वेरीज की फुलफिल कर सकूं। आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट करें, मेल भी कर सकते हैं एंड यस ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।